अभी स्पीड तो आई डोंट नो कितनी होगी, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अभी मेरा ई नोट के हिसाब से प तक में गया हूँ, ठीक है। नमस्कार, मैं आनंद, आप सभी म्यूजिक लर्नर्स कलाकारों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे अपने इस चैनल पर जिसका नाम है सुरभि स्वर संगम। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। शायद इस टॉपिक के ऊपर मेरे ख्याल से यूट्यूब पर भी कहीं कोई वीडियो नहीं होगा। और टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, कि रियाज कर करके जो हमने कैपेसिटी हासिल की है, जो दक्षता हम लोगों ने प्राप्त की है, क्या उसको भी मेंटेन करना जरूरी होता है? इनडायरेक्टली ये बिगनर्स के लिए भी हो सकता है, जो बिगनर्स के मन में ये प्रश्न होता है कि हमको कब तक रियाज करना चाहिए। संगीत से यदि हम लोग जुड़े हैं तो हमको कब तक हम इसका प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये भी, इस प्रश्न का भी आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बिल्कुल इसको पूरा सुनेगा, एक एक चीज़ को ध्यान से आप समझिएगा। ओके, तो टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं, मेरे चैनल पर आए हैं, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए म्यूज़िक से रिलेटेड थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल कंटेंट लेकर के आता रहता हूँ, और जो भी आपके म्यूज़िकल डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो लय से रिलेटेड है, चाहे वो ताल से रिलेटेड है, चाहे वो सुर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर सभी लोग आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं केवल बैंजो के पक्ष से ही बात करूँगा, ठीक है। चाहे आप हारमोनियम प्लेयर है, चाहे आप सिंगर हो, चाहे आप तबला प्लेयर हो, लय ताल सुर तो सब में ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो सभी के लिए मैं जो डाउट्स हैं उनके सॉल्यूशन लेकर के आता रहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ मुझे आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आप लोगों के लिए इंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट लगातार लेकर के आता रहता हूँ। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पर जल्दी से क्लिक कर देना, क्योंकि आने वाले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है तुरंत आपको मिल जाए और किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से आप लोग वंचित ना रह पाए। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इस महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा। ओके, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि कैपेसिटी मतलब क्या होता है। कैपेसिटी क्या है, यदि मैं म्यूजिकली बात करूं या रियाज हम लोग कर रहे हैं तो क्या है म्यूजिक में, हम लोग किस तरीके से हम लोग कैपेसिटी को मेजर करेंगे, चाहे आप बैंजो बजा रहे हैं या गायकी कर रहे हो या तबला बजा रहे हो, किस तरीके से हम लोग जानेंगे कि ये हमारी कैपेसिटी है या कैपेसिटी एक्चुअल में क्या है, ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मैं बैंजो के रेफरेंस में आपको बताता हूँ, बाकी आप इसको अपने गायकी से या तबले, यदि आप तबला प्लेयर हैं तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं पिछले एक महीने, दो महीने, छः महीने, साल भर, दो साल, पाँच साल या दस साल से मैं बजा रहा हूँ, या आप बजा रहे हैं, कोई भी बजा रहे हैं, ठीक है। तो मान लो वो छः महीने के बाद उन्होंने एक स्पीड के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप 100 BPM या 120 BPM आपने शुरुआत की, और आप 100 BPM या 120 BPM तक आप 6 महीने में आप लोग पहुंच चुके, या 150 BPM या 200 BPM तक आप लोग पहुंच चुके, है ना। तो अब मान लीजिए 6 महीने आपने रियाज कर लिया या एक साल आपने रियाज कर लिया, उसके बाद आप मान लीजिए कि 200 BPM तक आप लोग पहुँच चुके हो, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपने रियाज कर करके, प्रैक्टिस कर करके आपने दक्षता हासिल कर ली है। स्पीड के रेफरेंस में मैं बता रहा हूँ, आपने आप अब दक्ष हो गए हैं 200 BPM तक बजाने में। आपकी जो उंगलियाँ हैं, उंगलियों में दक्षता आ गई है, कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है 200 BPM तक बजाने में। बात आ रही समझ में? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। अब ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, तबला प्लेयर के लिए, गायक के लिए। जैसे मान लो रेंज के उससे मैं यदि बात करूं, तो मान लीजिए आप काली एक के दो तीन, काली एक के हिसाब से यदि कहूं तो सारे ग तक आप जा पा रहे हैं, म तक जा पा रहे हैं, प तक जा पा रहे हैं, अपने दक्षता हासिल कर ली पिछले एक दो साल में रियाज कर करके, ठीक है। तो यही होती है कैपेसिटी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। अब हमारा जो मेन जो प्रश्न है वो क्या था, जो सवाल है कि कैपेसिटी को किस तरीके से मेंटेन करें, या कैपेसिटी को भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है, जो चीज़ हमने हासिल कर ली क्या उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है, या उसके बाद हम लोग आराम से शांति से बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ओके, तो शुरुआत में करता हूँ एक एग्जांपल से, बहुत ही शानदार एग्जांपल है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। एक बार क्या होता है, राजा अकबर
की ख्वाहिश होती कि मैं उस्ताद तानसेन के साथ थोड़ा सा सेट पर जाऊं, घूमने के लिए जाऊं। तो वो एक बार राजा अकबर तानसेन जी के साथ नदी में नाव में बैठ करके ऐसे सैर कर रहे थे, घूम रहे थे। तो राजा अकबर के दिल तमन्ना हुई कि आप कुछ सुनाइए। ठीक है, तो तानसेन जी ने शुरुआत की गाने की। तो अब आप सभी लोग जानते हैं उस्ताद तानसेन जी के बारे में, मैं क्या ही बोलूं। तो उन्होंने गाना शुरू किया और जैसे उन्होंने गाना फिनिश किया तो उसके बाद राजा अकबर ने कहा कि तानसेन तुम कितना अच्छा गाते हो, कितना सुरीला गाते हो। बोले मन को मोह लेते हो, मैं राजनीति वगैरह सब भूल जाता हूँ, कितना अच्छा गाते हो। तो तानसेन जी बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो बस थोड़ा बहुत एक सागर की बूंद के बराबर में जानता हूँ, सागर में से बूंद निकालो उतना ही जानता हूँ। तो राजा अकबर ने कहा कि तानसेन मुझे एक बात बताओ, तुम इतना अच्छा गाते हो, इतना सुरीला गाते हो, नौ रत्नों में मैंने तुम्हें जगह दी है, तो और उसके बाद इतना सुरीला और इतना तुम्हारा सुर पर कमांड है, तुम्हारे गाने से दीपक जल उठते हैं, तुम्हारे गाने से बारिश हो जाती है, तो और कितना सीखना है तुम्हें और कितना सीखना बाकी है। तो तानसेन जी ने कितना खूबसूरत जवाब दिया है, और ये जो जवाब है वो आप सभी लोगों के लिए भी है, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, और वो जवाब ये था, उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकली जवाब दिया। उन्होंने नदी में हाथ डाला, अपने हाथ को बाहर निकाला, हाथ में हाथ की एक उंगली डाली। ठीक है, तो उंगली में कुछ पानी वहां पर उंगली पर चिपक गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो नदी है ये संगीत है, और इस संगीत रूपी नदी में से ये जो पानी मेरी उंगली में है लगा हुआ, केवल इतना ही मैं जानता हूँ, अभी तो बहुत सीखना बाकी है, अभी तो बहुत आगे जाना है और क्लाइमेक्स अभी बाकी है। लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि यदि मैं कुछ देर इससे यदि मैं अपने हाथ को बाहर रख लूंगा, अपनी उंगली को इस नदी से यदि मैं बाहर रख लूंगा, तो ये जो पानी इस उंगली में लगा हुआ है ये भी सूख जाएगा, ये भी नहीं रहेगा। अल्टीमेटली हम उसी बात पर आ गए हैं, कैपेसिटी वाली बात पे, कैसे मेंटेन रखना होता है। ठीक है ना, तो नदी रूपी जो संगीत है उसमें से इतना मैं जानता हूँ, और जो जानता हूँ वो भी मैं, वो भी तब तक ही मेंटेन रहेगा जब तक मैं नदी के संपर्क में रहूंगा। यदि संपर्क से मैं बाहर आ गया और कुछ देर यदि मैं बाहर रह गया तो उतना भी नहीं रहेगा, उतना भी नहीं रहेगा। मतलब आप समझे कितनी बड़ी बात बोल दी है यहाँ पर, कि आपको रियाज जो है वो तो आपको हमेशा ही करते रहना है, आपको संगीत से तो हमेशा जुड़े ही रहना है, चाहे आप आपकी कितनी भी कैपेसिटी है, आप 200 बीपीएम तक बजा रहे हैं, 200 बीपीएम तक गा रहे हैं, आकार गा रहे हैं, या तबला बजा रहे हैं, आपके हाथ चल रहे हैं, आपके आप बेंजो बजा रहे हैं, मतलब जितना भी आप बजा रहे हैं, यदि उस रियाज को भी यदि आपको मेंटेन करके रखना है, उस कैपेसिटी को भी यदि मेंटेन करके रखना है, तो आपको रियाज तो करना ही पड़ेगा। अल्टीमेटली आपको रियाज तो ताउम्र करना है। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में आप सेट कर लीजिए कि आपको हमेशा सीखते रहना है, क्योंकि सीखना ही तो जिंदा होने की निशानी है। मुर्दे नहीं सीखते हैं, आप सीख रहे हो मतलब आप जीवित हो। और सोने के लिए आए हैं क्या इस जीवन में, कुछ करने के लिए आए हैं? ठीक है, तो सीखना आपको हमेशा ही है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। क्योंकि यदि आप दिमाग में ये सोच रखोगे ना कि सर हम एक साल में हो जाएंगे क्या, या दो साल में, सर हमको और कब तक सीखना पड़ेगा, तो आपका मन ही नहीं लगेगा सीखने में, बिल्कुल नहीं लगेगा। और यदि आपको ये पता लग गया जिस दिन कि मुझे तो जीवन भर सीखना ही है, सीखना ही है, तो बस वो फिर जिस उस वक्त जब वो आपकी जो ऊर्जा काम करेगी वो एक अलग ही लेवल की रहेगी। ठीक है ना, तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में आपको सेट कर लेना है कि आपको हमेशा सीखते रहना है। जो कैपेसिटी आपने अभी तक रियाज करके हासिल कर ली है उसको यदि आगे आपको मेंटेन रखना है तो भी आपको प्रैक्टिस तो करते ही रहनी पड़ेगी, मतलब अल्टीमेटली संगीत से तो आपको जुड़े ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जितना आपने कर लिया है उसके बाद सब हो गया, एक दो साल का छोड़ दिया, उसके बाद फिर जब मैं करूँगा तो भी मैं उतना ही रहूँगा, नहीं रहोगे। एक दो साल की तो छोड़िए, एक दिन भी यदि आप रियाज छोड़ के देखिए, आपको अगले दिन ही महसूस हो जाएगा कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, कुछ ना कुछ तो एक वीकनेस आई है
संगीत रूपी, वो आपको महसूस हो जाएगा। ये मैं प्रैक्टिकली मैंने खुद ने अनुभव किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी सुना था, लेकिन जब मैंने अनुभव किया तो इतने दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ। बात ही समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी कुछ एग्जाम्पल देकर के आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बेंजो पे, मान लीजिए मैं अभी अभी स्पीड तो आई डोंट नो कितनी होगी, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ये जो स्पीड है, इस स्पीड को यदि मुझे मेंटेन रखना है तो मुझे हमें इसको रियाज करते ही रहना पड़ेगा, रोज रियाज करना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैं कुछ ही दिनों पहले की बात है, मैं पर्टिकुलर एक बीपीएम तक मैं पहुँच चुका था। उस बीपीएम पर पहुँचने के बाद कुछ, अब देखिए, अब कुछ ना कुछ काम तो आ ही जाते हैं, कुछ सारी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ वगैरह भी रहती है ना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है, सारी चीजें हमको निभानी होती है। तो 4-5 दिन का गैप हो गया, ठीक है। अब मैंने सोचा उतना स्पीड तो मैंने हासिल कर लिया, तो शुरुआत हो जाएगी वहीं से। और जब मैं रियाज करने बैठा ना 5 दिन के बाद, मैं आपको कुछ क्या ही बताऊं, वहां तक जाने में मुझे 1-2 घंटा लग गया। 1-2 घंटा मुझे रियाज करना पड़ा, तब जाकर के मैं उस स्पीड तक वापिस पहुंच पाया। तब मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये तो 1-2-4 दिन के रियाज मैंने छोड़ा था तो इतना हुआ। यदि मान लो इस रियाज को मैं 1-2 महीने 6 महीने यदि छोड़ दूँ तो फिर क्या होगा, है ना। तो ये अनुभव की चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँ, आपको करते ही रहना है ना रोज, और उससे कैपेसिटी जो आपकी है उसको तो मेंटेन रखना है, लेकिन उससे आगे भी जाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब जैसे मैं गायकी के रेफरेंस में आपको बताता हूँ, ओके तो मैं अभी ये सिंगर्स के लिए, यदि जो लोग सिंगर्स हैं जो सिंगिंग सीख रहे हैं वो लोग भी यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आएगी कि क्या मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे अभी ये ई नोट का तानपुरा चल रहा है, ठीक है, तो ई नोट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो सारे गा मा पा धनी सा, ठीक है, काली एक हिसाब से ये क्या हो गया, ग कोमल हो गया। सारे गा मा पा मा ग रे सा, सा नि द पा मा ग रे सा। तो अभी मेरा ई नोट के हिसाब से प तक मैं गया हूँ, ठीक है ना। अब यदि मुझे इसको मेंटेन रखना है, इसको मुझे यदि बनाए रखना है, इस कैपेसिटी को, तो मुझे लगातार रियाज करते रहना पड़ेगा तभी, क्योंकि गला भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, इसका भी यदि आपने रियाज छोड़ दिया तो रेंज धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम होने लग जाएगी, ठीक है ना। सा नि ध पा मा ग रे सा ग मा प ध नि सा। तो चाहे खरज का आप रियाज कर रहे हो या तार सप्तक का रियाज है, जो भी आपकी कैपेसिटी आपने डेवलप कर ली है उसको यदि मेंटेन रखना है तो भी आपको लगातार इससे जुड़े रहना पड़ेगा, सुरों का अभ्यास करते रहना पड़ेगा, अपने गले जो इंस्ट्रूमेंट है उसको आपको चलाते रहना होगा। ऐसा नहीं कि बस एक बार हो गया तो छोड़ दिया उसके बाद वो मैं नहीं, कहीं ना कहीं वो फंस सकता है, कहीं ना कहीं वो अटक सकता है। बात आ रही समझ में? तो ये जो कैपेसिटी जो है ना उसको यदि आपको मेंटेन रखना है तो आपको रियाज करना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली ये उन सभी लोगों के लिए भी आंसर होगा जो लोग बोलते हैं कि सर हमको कब तक सीखना चाहिए, है ना, या कितना सीखना चाहिए, कब तक रियाज करें। तो ये सभी के लिए आंसर है कि आपको यदि अपनी कैपेसिटी को मेंटेन रखना है या अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाना है तो आपको रियाज करना ही पड़ेगा। आप आज जहाँ हो उससे आगे यदि जाना चाहते हो तो आपको वो करना होगा जो आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि आपने अभी तक जो किया है, जितना प्रैक्टिस किया है, उसकी वजह से आप इस लेवल पे हो जिस लेवल पे आप इन प्रेजेंट हो, और उस लेवल से आगे यदि जाना चाहते हो तो आपको वो करना होगा जो आपने अभी तक नहीं किया, मतलब उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यदि उस लेवल से ज़्यादा जाना चाहते हो तो, ठीक है। तो अल्टीमेटली अपनी कैपेसिटी को आपको हमेशा ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। एक एग्जांपल और याद आ गया आप लोग, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं सोच के नहीं बैठता हूँ, बस याद आ गया है तो आप सुन लीजिए कि जैसे हम लोग घर वगैरह बनाते हैं तो घर को भी तो हमको मेंटेन रखना पड़ता है,
हर साल पुताई दिवाली पर साफ सफाई ये सारी चीज़ें होती है, पुताई हो रही है ना, कहीं पर मरम्मत हो गया, कोई दीवार क्रैक हो गई उसको मरम्मत कराया, तो मेंटेन तो उसको भी रखना पड़ रहा है। उसको मत रखिए, आप 4-5 साल बाद देखिए घर को, देखिए कैसी हालत हो जाएगी उसकी। आप कोई भी व्हीकल खरीद रहे हैं, 4-व्हीलर या 2-व्हीलर, उसको भी हमको सर्विसिंग के लिए ले जाना पड़ता है, उसका भी मेंटेनेंस हमको करना पड़ता है। तो जब इन सारी चीज़ों का मेंटेनेंस होता है तो आपकी जो कैपेसिटी, आपकी जो उंगलियाँ हैं, जो आपकी कैपेसिटी, जो आपकी उंगलियों में आ गई है, उस कैपेसिटी को भी मेंटेन रखने के लिए इनको चलाते रहना होगा, चलाते रहना होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। और मैं जैसा कि हर बार बोलता ही हूँ कि शिक्षा का पहला सिद्धांत होता है निरोगी काया, क्योंकि ये तभी चलेगी जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा शरीर साथ देगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने बॉडी पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए, निरोगी रहिए, तभी जाकर के अच्छा रियाज आप कर पाएंगे और एक अच्छा आर्टिस्ट आप बन पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार का कंटेंट आपको लगातार मिलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट, ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे कि क्या होता है रियाज और कब तक हमको रियाज करना चाहिए, कब तक हमको सीखना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुकी होगी। इसी प्रकार का और कोई नॉलेजेबल वीडियो यदि आप चाहते हैं, कोई भी डाउट का सॉल्यूशन यदि आप चाहते हैं, चाहे वो लय ताल सुर से संबंधित हो, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा आपके डाउट के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच।